अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको लाजमी कवर कीजिएगा। कोशिश तो यही कीजिएगा कि ये सारे के सारे आप कवर करें, लेकिन फिर भी अगर आपने सिलेक्शन करनी हो तो मैं आपको कैटेगराइज करके बता दूंगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, वो चैप्टर नंबर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 9, 10 और 11, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो इसलिए आपने इनको कवर करना है, साथ देखते रहना है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो जारी सी बात है न्यूमेरिकल एग्जांपल के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो वो जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 8 है। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट की बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास मार्ग मास स्पेक्ट्रोमेट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कवर कीजिएगा। यील्ड, उसकी टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन है, इसको लाजमी कवर कीजिए। फिर उसके बाद जब हम आगे आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ, तो दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन दो की निस्बत, ठीक है, यानी फर्स्ट टू ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उन दोनों की निस्बत कम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को कैटेगराइज करूँ तो दिस विल कम इन द कैटेगरी ऑफ बी, यानी समझें लीस्ट इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट से थोड़ी कम कैटेगरी, समझें 65-75% मार्क चांसेस हैं इसके आने के। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमीटर के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कवर कीजिएगा, इसे छोड़ना नहीं आप। कंबशन एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको लाजमी आप लोगों ने कवर करना है। जब हम आते हैं जी चैप्टर नंबर 4 की तरफ, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या क्या है, उससे पहले मैं न्यूमेरिकल्स बताता चलूँ, एग्जाम्पल बताता चलूँ चैप्टर नंबर 3 की। तो फर्स्ट 8 एग्जाम्पल्स हैं, लाजमी कवर कीजिएगा न्यूमेरिकल 16 से 24 तक, ज़्यादा आइडियल 24 तक ही है, लेकिन अगर आप 22 तक भी कवर करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें से आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा रिस्क ना ही लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर वेपर प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लाजमी आपने कवर करना है। लिक्विड क्रिस्टल वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं ये हम कहेंगे कि 65-75% मार्क्स हैं, चांसेज हैं इसके आने के। लीस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट से थोड़ी कम कैटेगरी। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी ऑफ गैसेस वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर से कीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स जो हैं वो साथ इसके लाजमी कवर करनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफेक्ट्स क्या है बोहर्स एटॉमिक मॉडल के, तो मैं कहूँगा कि दिस विल कम इन द कैटेगरी ऑफ 65-75%, तो यानी ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, इसलिए इसको भी आपने साथ कवर करना। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ, तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर आपने कवर करना है, ये नहीं छोड़ना, ये ध्यान कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम थ्योरी और एजीमुथल, इसके बारे में है, दिस विल कम इन द कैटेगरी ऑफ 65-75% कैटेगरी, मैं कहूँगा ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। वैसे अगर आप गौर करें तो हर चैप्टर के मैंने जो है वो 5-6 क्वेश्चंस ही किए हैं, अगर आप कर सकें तो जरूर कवर कीजिएगा, और फिर उसमें जो आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो उस कैटेगरी के अंदर आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जब बात करते हैं तो जनाब वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने कवर करना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको आपने चॉइस के अंदर नहीं लेकर आना। नंबर 4 की जब बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल, जनाब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कवर कीजिएगा, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। नंबर 5 एक्स रेज क्या है, इसके बारे में बताएं, तो इसे मैं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है बट 65% वाली कैटेगरी के अंदर आएगा, जैसे कहेंगे कि 65% आने के इसके चांसेस मौजूद हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब आते हैं क्वेश्चन 6 पे EM वैल्यू रेशो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना, लाजमी कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं जनाब चैप्टर नंबर 6 की तरफ, चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैं बताता चलूँ तो याद रखिएगा कि आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी आती है नंबर 4 की और नंबर 2 की, डायपोल मोमेंट, इसके चांसेस में से 75% ही ट्रैक कहूँगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनकी नस्बत थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब आते हैं जनाब हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 की तरफ, तो चैप्टर नंबर 7 की तरफ भी मैं क्वेश्चन आपके सामने ले आता हूँ ताकि आप उसको देख पाएं। तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर 5 है, और फिर उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के लिहाज इंपॉर्टेंट है, तो जनाब एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 अगर 4 भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5, 6, 7 तो बहुत जरूरी है। 20, 23, 24, 25 के न्यूमेरिकल्स लाजमी करके देंगे। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैं क्वेश्चंस आपके सामने सबसे पहले ले आऊँ। टोटल 5 ही हैं जिनको आपने कवर करना है। इन 5 में से जनाब जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ आते हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद 3 और 5 ये लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आएंगे, उस लिहाज से आपने इनको कवर करना है। जब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 के बारे में, तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारे पास ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 में से नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के, इसको कवर कीजिएगा। नंबर फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो मैं कहूँगा कि दिस नंबर 5 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 1 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नंबर 2 और नंबर 4 ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है मगर इंपॉर्टेंट तो हैं, क्योंकि शामिल किया गया 5 to 6 questions ही के अंदर, तो important तो होंगे। हम आते हैं last chapter की तरफ, and that is about 11. 4 characteristics हैं जी catalyst की, उसके बारे में आपने बताना है। मैं बताता चलूँ जी, 1 के बाद number 4, number 4 के बाद number 6, और फिर उसके बाद जी enzyme catalyst, ये number 2। ये 4 सवाल सबसे ज़्यादा important है, और जब हम बात करते हैं नंबर 3 की और नंबर 5 की, दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी हैं। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे और समझ पाएंगे। ये यहाँ पे एक रह गया केमिकल मेथड ऑफ टू डिटरमाइन रेशियो ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर ही शामिल होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स।